उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों की टीम ने धुआंधार फायरिंग कर दी। इस धुआंधार फायरिंग की सबसे बुरी बात यह रही कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस टीम को घेर करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घटना के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना में पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को भी मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करी जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मौके पर ही 2 बदमाशों को मार गिराया, पर बदमाशों को मारने के दौरान मुख्य अपराधी विकास दुबे मौके से फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर जहां पर यह फायरिंग हुई है, जिस घर में यह फायरिंग हुई है, जिस घर की छत से पुलिस पर गोलियां बरसाई गई है, वहां पर मौके पर AK-47 के खोल बरामद हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह उठता है कि बदमाशों के पास AK-47 कहां से आई? अगर AK-47 आई तो उनको किसने दिलाई, कहां से वो लाए और इतना बड़ा गैंग वो चला कैसे रहे थे? पुलिस को मिली एक जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की दबिश करने गई पुलिस टीम ने जिस घर पर छापा मारा, अचानक से देर रात हुई इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू हो गई। इस हुई अंधाधुंध फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। अब तक पुलिस वालों ने इस घटना को लेकर के पूरे शहर को नाकाबंदी कर दी है। जगह जगह पर नाकाबंदी लगा दी गई है। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन टैपिंग पर लगा दिए गए हैं। टोल प्लाजाओं पर CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि विकास दुबे कहीं आसपास तो नहीं। शहर से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया गया। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हुए, देखते हैं कि किस मोड़ को कहाँ ले जाती है और पुलिसकर्मियों का इस तरह खून बहाना, इस तरह पुलिसकर्मियों का शहीद होना क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां बीजेपी केंद्र की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जिसको बताई जाती है, जो एक अमन प्रिय सरकार बताई जाती है, वहां पर एक ऐसी अप्रिय घटना, दुखद घटना हमारे सामने आती है। एक गैंगस्टर AK-47 से गोलियां बरसाता है और हमारे पुलिसकर्मियों को मारता है। देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है। विकास दुबे अभी भी पुलिस की दबिश से बाहर है। देखते हैं आगे क्या होता है। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल राजस्थान संवाद से। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।